Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. ये प्रदर्शनी हमने सच का आईना लगाई है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम आम लोगों को और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है और देश में हर एक आम आदमी की परिस्थिति क्या है। इस प्रदर्शनी में हमने पूरे देश के जो चुनिंदा और नामचीन बड़े अखबार थे, प्रिंट मीडिया है, उनकी ई कटिंग्स लगाई है और उन्हीं की ई कटिंग्स में इस सरकार की जो सच्चाई है वो उजागर हो रही है। आज बेरोजगारी का आलम इतना हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ 5 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन नए रोजगार तो मिल नहीं रहे, उल्टा रोजगार में कटौती हो रही है। पिछले साल 1.25 करोड़ लोगों के जो रोजगार थे वो कम हुए। ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर में बेतहाशा कटौती की गई है। हर बड़ी कंपनी ने अपने यहाँ पर लगभग आधे लोगों की छुट्टी कर दी है, जिससे जो नौजवान है, जो छात्र है, जो पढ़ के एक अपने सपने सजो के बैठा था, उसके बहुत भारी मन से वो भटक रहा है। आज देश बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहा है, उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। आम आदमी जो छोटी मोटी दुकानें करता था, छोटे मोटे लघु उद्योग थे जहाँ छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलते थे, वो धंधे बंद होने के कारण लोग बेरोजगार बड़ी तेज़ गति से होते जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे जो देश हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे भी, उनसे भी नीचे हमारी GDP पहुँच गई है। आज सिलेंडर में अभी हाल ही 150-200 रुपये बढ़ाए। पता नहीं ये माननीय प्रधानमंत्री जी देश को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। पंकज शर्मा काकू, संयोजक अभाव अभियोग प्रकोष्ठ।